सो है एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अगेन हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी 9 SE के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। एंड मुझे ऑलमोस्ट इस फ़ोन को यूज़ करते हुए 3 महीने के आसपास हो गए हैं। एंड आज की इस वाली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसा क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है 3 महीने में, एंड स्पेशली एंड्रॉयड 12 के बाद ये फ़ोन कैसा परफॉर्म किया है, रियलमी वाई 3.0 के बाद ये फ़ोन कैसा परफॉर्म किया है, वो मैं आप लोगों को आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। एकदम डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं एंड मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, FPS भी बताने वाला हूँ एंड हीटिंग के इश्यूज़ के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो इस फ़ोन में जनरली आप लोगों को हीटिंग इश्यूज़ देखने को मिल रहा है वो आप लोगों को कैसे फिक्स करना है, या किस किस फ़ोन में देखने को मिल रहा है, या सभी फ़ोन में देखने को मिल रहा है या नहीं, सब कुछ आपकी इस वाली वीडियो में डाउट्स जो है क्लियर हो जाने वाले। सो प्लीज़ जो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक के बने रहना। एंड इस सीरीज़ पे मैंने पहले ही 2 वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आप लोग उन्हें भी चेक करना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो वहाँ पे जाके आप लोग उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी नॉर्मल परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसी क्या देखने को मिल रही है इस टाइम पे। सो मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो परफॉर्मेंस मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, लैग बहुत ज़्यादा कर रहा है फ़ोन अगर आप लोग रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो, एंड स्पेशली अगर आप लोग 1080p में रिकॉर्डिंग करते हो और हाई सेटिंग्स के साथ रिकॉर्डिंग करते हो तो इसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस टाइम पे देखने को मिल रही है। एंड लैग बहुत ज़्यादा करता है फ़ोन, बहुत ज़्यादा चिपकता है। अगर आप लोग कोचिंग की वगैरह में लैंड करते हो, जहाँ पे 5-6 स्क्वाड लैंड कर जाती है एकदम से, तो वहाँ पे फ़ोन बिल्कुल चिपकने लगता है एंड लैग भाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बट अगर आप लोग 720p में रिकॉर्डिंग करते हो या रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, अगर आप लोग नॉर्मल गेम खेलते हो, तो आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी लैग कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा मैप में। एंड हीटिंग की बात करते हैं अब, तो देखो भाई हीटिंग का एज सच मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला इस फ़ोन में। एंड मैंने बहुत सारे बंदों को देखा जो कि बोलते हैं कि भाई उन लोगों को ओवर हीटिंग का इशू आ रहा है, एंड ओवर हीटिंग का इशू आता है एंड उसके बाद उन लोगों का गेम जो है ऑटोमेटिकली बैक हो जाता है या गेम क्रैश हो जाता है। बट मुझे अभी तक के एक भी बार ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। एंड मुझे नहीं पता भाई किस किस के फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम देखने को पड़ रही है, बट बहुत सारे बंदों के मैंने वीडियोस देख रखे जो कि सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई उन लोगों का ओवरहीटिंग का नोटिफिकेशन आता है एंड उसके बाद उन लोगों का गेम डायरेक्टली बैक हो जाता है। बट मुझे अभी तक के ये वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली एंड हीटिंग की भी मुझे उतने ज़्यादा इशू देखने को नहीं मिले। तो हीटिंग के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता इस फ़ोन के कि कैसा क्या दूसरों के फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही, बट मेरे फ़ोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज मैं एक एक्सटर्नल फ़ैन भी यूज़ करता हूँ, जिस टाइम पे मैं गेम खेलता हूँ उस टाइम पे मैं फ़ैन ऑन कर लेता हूँ, जिस वजह से मेरा फ़ोन जो है वो कम हीट करता है एंड मुझे ओवरहीटिंग का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। बट हीटिंग को अगर एक तरफ रखें तो परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। इतना अच्छा प्रोसेसर के साथ इतनी बेकार परफॉर्मेंस फ़ोन ने नहीं देना चाहिए। एंड जैसी परफॉर्मेंस इसकी स्टार्टिंग में थी, या देखा जाए तो एंड्रॉयड 12 का जब बीटा वर्जन आया था, जब मैंने इसका बीटा वर्जन ट्राई किया था अपडेट का, उस टाइम पे फ़ोन बहुत ही स्मूथ परफॉर्म किया था भाई, हर एक गेम एकदम स्मूथली जाता था। एंड उस टाइप का परफॉर्मेंस आप लोगों को इस टाइम पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस टाइम पे फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग करता है अगर आप लोग कहीं पे भी ड्रॉप लो एंड अगर आप लोग स्पेशली रिकॉर्डिंग करते हो तो। एंड मुझे वही चीज़ बड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी एंड मैं होप कर रहा हूँ कि भाई अगला अपडेट आए एंड उसमें जो है ये लोग परफॉर्मेंस को ठीक कर दे पहले के मुकाबले। एंड जो लास्ट अपडेट में इन लोगों ने जो 1-2 फीचर ऐड किए, वो फीचर तो सही है वॉइस चेंजिंग वगैरह, बट उसके साथ साथ लैग बहुत ज़्यादा कर रहा है गेम, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड अब BGMI को एक तरफ रखते हैं, दूसरे गेम्स के बारे में बात करते हैं तो PUBG न्यू स्टेट भी मैंने इस फ़ोन में ट्राई किया एंड न्यू स्टेट में आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। गेम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है, जैसा स्टार्टिंग में मैंने ये फ़ोन खरीदा था और BGMI परफॉर्म करता था, उस टाइप से न्यू स्टेट परफॉर्म इस टाइम पे भी करता है। सो न्यू स्टेट अगर आप लोग न्यू स्टेट के लिए लेना चाहते हो तो आप लोग इजीली इस फोन के साथ जा सकते हो, बट BGMI के लिए मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड अब नहीं करूँगा, बिकॉज पहले मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता था बिकॉज पहले परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी, बट इस टाइम पे मैं रिकमेंड नहीं करने वाला। एंड अगर आप लोगों को इससे अच्छी चॉइस देखने को मिलती है दूसरे फ़ोन्स में, तो आप लोग उन फ़ोन्स के साथ जा सकते हो। एंड अब गेमिंग को एक तरफ रखते हैं, फाइनली बात करते हैं ओवरऑल यूजेज की, कि ओवरऑल यूजेज में आप लोगों को कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो मैंने एडिटिंग वगैरह की है, एडिटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है इस फ़ोन में। एंड अलर्ट मोशन जो बहुत ज़्यादा फ़ोन्स में नहीं चलता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, फुल लैग आता है प्रीव्यू में, वो इसमें स्मूथली चल जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी इस फ़ोन की। एंड एडिटिंग वगैरह के लिए अगर आप लोग इस फ़ोन को कंसिडर करना चाहते हो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ओवरऑल यूजेस में भी ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है एंड स्पेशली जो हमारा इसका डिस्प्ले 144Hz का, वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो आप लोगों को डिस्प्ले में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर आप लोग AMOLED डिस्प्ले वाले फ़ोन के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, बट मैं उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा AMOLED डिस्प्ले,
बिकॉज सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है एंड मुझे ये वाला फ़ोन प्रेफरेबल लगा इस प्राइस रेंज में। सो मैं एमोलेड डिस्प्ले को छोड़ के प्रोसेसर के साथ गया। एंड अगर आप लोग एमोलेड डिस्प्ले के साथ जाना चाहते हो तो आप लोग इजीली जा सकते हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो बस इतना ही था गाइस आज की वाली वीडियो में, मुझे इतनी ही बातें डिस्कस करनी थी। अगर कोई पॉइंट मुझसे छूट जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जोर से बताना। एंड अगर आप लोगों को इस फोन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जोर से बताना, मैं उस प्रॉब्लम पे वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा या आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने की जोर से ट्राई करूंगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए छोटी सी आउटर के साथ गुड बाय।